सब हम लोग आज यहाँ पे जमा है बिकॉज गोपाल, हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट पंडित को दे रहा हूँ, दिला नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देखो मेरे को तो मालूम पड़ता है ना, ये लोग आशावादी है। जय हिंद अभियान के जय हिंद अभियान के फाउंडर अपने गोपाल सिंह जी और दीपक त्रिपाठी जी हैं। इनका मुद्दा ये था कि गोरबंदर रोड का नाम वीर चिमाजी अप्पा रखा जाए, उसके लिए बहुत प्रयास किए इन्होंने, सीएम साहब को, गवर्नर साहब को और जितने भी अधिकारी हैं, बीएमसी और मीरा भाईंदर और थाने में सब जगह इन्होंने लेटर दिया है। और कुछ दिन पहले सर से मुलाकात हुई गोपाल शेट्टी सर से और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इस जो मुद्दा है उसमें आप मदद करें, तो उन्होंने स्वेच्छा से बोला कि मैं आपके साथ हूँ। और उसी लिए उन्होंने बोले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये होना चाहिए और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। गोपाल सर आप खुद ही आप बताएँ। गोपाल जी पहले आप बोले सर। जय हिंद मित्रों, मैं गोपाल सिंह, संग्राम फाउंडेशन का संचालक। सर्वप्रथम तो मैं सर आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप इस मुद्दे को आप इतना सीरियसली लिए। आज वीर सावरकर जी की जयंती है, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं गोरबंदर रोड जिसके बारे में हमने जो ज्ञापन दिया है, पहले करीबन 1700 ईस्वी में वीर चिमाजी अप्पा जी करके एक पेशवा थे, उन्होंने यहाँ से पुर्तगालियों को गुजरात तक उन्होंने भगाया था। और आप देखेंगे वसई का जो किला है वहाँ पर वीर चिमाजी अप्पा जी की मूर्ति भी है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब पहले इसके पहले पुर्तगालियों और अरबियों में घोड़े का व्यापार हुआ करता था, इसलिए इस रोड का नाम गोरबंदर रोड पड़ा है, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई तुक नहीं है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि गोरबंदर रोड का मतलब क्या है, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, ये हम इसलिए गोरबंदर रोड का नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम अभियान चला रहे हैं जय हिंद अभियान, ये अभियान उन सारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है। इस अभियान में हमारे साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, सारे क्रांतिकारियों के परिवार के लोग हमारे साथ हैं और उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, उचित सम्मान दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात आई और हमने इसका ज्ञापन मंत्रालय में भी दिया हुआ है। हमने गोरबंदर रोड के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनको भी हमने इसका ज्ञापन दिया है। सबका मानना है कि नहीं, इसका नाम चेंज होना चाहिए और इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने सर से मिले और सर ने बोला आपका सराहनीय कार्य और इसमें हम आपके साथ में हैं। नमस्कार, गोपाल सिंह ने जैसे याद किया वैसे वीर सावरकर जी को मैं भी याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। आज सवेरे ही बोरीवली के साथ एक करके उद्यान जो हमने बनाया वहाँ पर सवेरे माल्यार्पण करके वीर सावरकर जी को हमने स्मरण किया और शाम को आज और कल दो दिन का व्याख्यान भी वहाँ पर है। ये महापुरुषों के बारे में मेरा ही रुचि का विषय है वैसे, और मेरा ये विषय मुझे लगता है कि बहुत लंबे तक पहुँचा है, इसलिए गोपाल सिंह और उनके सभी साथी पदाधिकारी गत 15 दिन से मेरे संपर्क में है। एक बहुत बड़ा निवेदन भी उन्होंने मुझे गांव के लोगों का दिया। 2-3 बार बातचीत करने के बाद में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी उन्होंने की और मुझे कहा कि साहब आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित मैं इस काम में उनको सहयोग देने की मेरी मनोमन इच्छा है। लेकिन ये लोकल विषय जो होता है लोकल लोगों ने उसको हैंडल करना है। मैंने एक अपने राजनीतिक 30 साल के प्रतिनिधित्व जीवन में इस डेकोरम को मेंटेन किया है, मैं सभी को साथ में लेकर चलता हूँ, इसलिए ये नामकरण को अगर बदली करना है तो वहाँ के लोकल लोगों ने आगे आकर करना चाहिए, वहाँ के जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्होंने इसको पहल करना चाहिए और उसमें मेरा जो भी सहयोग और योगदान की आवश्यकता होगी वो मैं निश्चित देने का प्रयास करूँगा। वैसे गोपाल सिंह ने बताया कि ये घोड़बंदर नाम का कोई उतना बड़ा मायना नहीं है, घोड़ों का बाजार होता था या तो फिर घोड़बंदर में रेती निकाला जाता था, रेती का भी एक बंदर हुआ करता था, ये इससे उसका नाम हुआ होगा। लेकिन बदले हुए समय पर एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे हमको मिले जिन्होंने पूरा क्रांति देश में लाया और जो महापुरुषों को फिर एक बार उन्होंने लाइमलाइट में लाकर लोगों के सामने रखा है, जिससे हमको, हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले और यही सही समय है कि हम महापुरुषों को फिर एक बार कहीं ना कहीं प्रस्तापित करें। इसलिए मैं स्वयं चाहूँगा कि ये जो रोड का नामकरण का जो भी बदलाव करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ऐसा हमेशा मान के चलता हूँ कि भगवान जब कोई किसी को भी मेरे पास भेजते हैं तो ये आप नहीं आते हो और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये परमात्मा ही ऊपर से सब करवाते हैं। तो मेरे मन में एक दूसरी बात आई, ये वीर चिमाजी अप्पा का एक राइटअप मेरे हाथ में है और जहाँ तक मेरा स्मरण है तो कल मैंने पेपर में भी उनका एक आर्टिकल पढ़ा और आज योगा योग लोकसत्ता में आज़ाद मैदान जवर लोकशाही चौक साकरना, इस प्रकार का एक आर्टिकल आया।
यानी आज़ाद मैदान पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं और वहाँ के सर्कल को लोकशाही चौक का नामकरण करके सरकार करने की सोच रही है। तो ये जो घोड़बंदर रोड पे फाउंटेन जंक्शन जिसको हम आज कहते हैं, वो फाउंटेन होटल के नाम से पड़ा है। मुझे फाउंटेन होटल से एक लगाव इसलिए कि एक आइसोलेटेड जगह पर उन्होंने उन दिनों में होटल बनाकर एक अच्छा नाम आज एस्टेब्लिश किया है। वो कौन से धर्म के हैं वो अपने लिए सेकेंडरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अच्छा करता तो उनको, और वो फाउंटेन का नाम कोई वो उन्होंने आगे नहीं लाया, लेकिन फाउंटेन होटल है तो फाउंटेन होटल का जंक्शन आ गया। ये जो रोड का काम चालू हुआ है, आप सबकी जानकारी के लिए, नरेंद्र मेहता उन दिनों में विधायक हुआ करते थे मीरा भाईंदर के, और वो मुझे आकर मिले और फिर मैं और वो दोनों मिलकर दो तीन बार गडकरी जी को मिले और ये काम हमने शुरू किया। अब 80-90% काम पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो रोड का लोकार्पण भी हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पर हमको मिलेगी। तो मेरे मन में कल ये आया कि वो वहाँ पर एक जो जंक्शन बना है उसको भी हम वीर सिमाजी अप्पा का नाम दे सकते हैं, और साथ साथ में घोड़बंदर रोड का भी, दोनों को हम चलाएंगे। रोड का भी हो गया और चौक का हो गया तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन मैं मानता हूँ कि हमारे वेस्टर्न लाइन का सबसे बड़ा जंक्शन है। तो ये जंक्शन को नामकरण मैं स्वयं प्रपोज करूँगा। मैं लोकल विधायक शिवसेना के MP हो गए, हमारे मित्र है शिवसेना के अभी के विधायक है पहले के नरेंद्र मेहता, इन सारे लोगों को लेकर, क्योंकि महापुरुष सबके हैं, कोई एक पार्टी का कोई व्यक्ति का होता नहीं है, तो ये सारे लोगों को लेकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं गोपाल सिंह और उनके सभी साथी पदाधिकारी उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़े काम को लेकर आगे चल रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये मन में आपका आया है, आप मेरे पास आए हैं, तो मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूँ, ये चौक का तो मैं 100% करवा लूँगा और ये नाम का भी सबकी सहमति होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों काम हम आगे आने वाले दिनों में यशस्वी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ नमस्कार, आज वीर सावरकरांची जयंती आहे। आज सकाळीच मी